हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्रत की रेसिपी, जो है भगर की थेपला, या फिर इसे बोल सकते हैं पराठा, जो सामा का पराठा बोला जाता है। तो चलिए हम इसके लिए रेडी करते हैं। हमने लिया है एक कटोरी भगर, जिसे हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। एक दो पानी में वॉश करने के बाद इसका पानी हम निकाल लेंगे। देन इसमें हम गर्म पानी जो रहेगा, गर्म पानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, वही सेम एक कटोरी डाल के हम इसे कुछ घंटों के लिए रख देंगे। ज़्यादा भी देर नहीं, एक घंटा भी रखा तो बहुत है। एक घंटा रखने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे उबले आलू, हरी मिर्च और सांभर। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च लिया हुआ है। आप जितना तीखा खा सकते हैं उस हिसाब से आप मिर्ची ले सकते हैं। तो देखिए, आलू को हमने मैश कर लिया है भगर में, देन जो मिर्ची कट करके रखा था वो उसमें मिक्स कर दिया है, एंड सांभर। इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च। इसमें भी स्पाइसी आपको जितना चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। जीरा पाउडर डाल रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं, एंड डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, जो उपास का सेंधा नमक है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से एक डो बना लेंगे, जैसे आटे का एक डो बनता है उस तरीके के इसका एक डो बना लेंगे। ये डो रेडी करने के बाद इसमें हम अपने हथेली पे या तो ऑयल या फिर घी लेके हम इसे इस तरीके से, जैसे रोटी का लोई होता है उस तरीके का लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद इसे हम अपने हाथों में ही प्रेस करेंगे, फ्लैट रोटी के जैसे हम भाकरी बनाते हैं उस टाइप का इसे हम प्रेस करेंगे। आप चाहे तो इसे तवे में भी डाल के पानी का हाथ लगा के प्रेस कर सकते हैं, तो वो थेपले में आ जाएगा, और ऐसे करते हैं तो पराठे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, में आ जाएगा। तो देखिए, अब हमारा वो रेडी हो चुका है पराठा। तो हम अभी तवा गरम करके उसमें ऑयल डाले हैं, देन जो थेपला हमने रेडी किया हुआ है, पराठा हमने जो रेडी किया हुआ है, इसे हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से पकने देंगे, क्रिस्पी होने तक का। आप चाहे इसे क्रिस्पी रख सकते हो या फिर नॉर्मल सॉफ्ट भी रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का पक चुका है, तो इसे हम अभी पलटा लेंगे। इसे पकने देना है अच्छी तरीके से, नहीं तो ये टूटने का भी डर होता है। तो हम ये अभी अच्छे से पक चुका है, देखिए कुछ इस तरीके से, इसका कितना सुंदर सा कलर भी आ चुका है। तो देखिए, अभी अच्छे तरीके से पक चुका है। सेम दूसरे साइड से भी हमें कुछ मिनट तक पका लेना है। पकाने के बाद देखिए, ये कुछ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। इस तरीके का दिखता है, और अभी हमने लगा लिया है प्लेटिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। उपास की रेसिपी है, अपने व्रत में काम आती है, तो ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।